हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, इसी में नेक्स्ट है आपका विषमाणु एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। विषमाणु से मतलब है दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, उनके मध्य अगर कंडेंसेशन कराया जाता है तो वह विषमाणु एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। शर्त है उसमें कि कम से कम एक अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है वह उपस्थित होना चाहिए, जिससे कंडेंसेशन की अभिक्रिया होती है। विषमाणु एल्डोल कंडेंसेशन कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें दो समान एल्डिहाइड हो सकते हैं या असमान एल्डिहाइड हो, मींस दो सेम एल्डिहाइड में या एक दोनों जो हैं वो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हों, उनके मध्य कंडेंसेशन हो सकता है। इसी प्रकार से दो सेम कीटोन या दो डिफरेंट कीटोन्स जो होते हैं उनके मध्य कंडेंसेशन हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो उनके मध्य भी कंडेंसेशन हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन भी हो सकता है जबकि उसमें कोई अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, परंतु फिर भी उसमें कंडेंसेशन रिएक्शंस जो है वह पाई जाती है। तो यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल कंडेंस होकर डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ देखते हैं, सामान्यतः तो दो असमान एल्डिहाइड लेने पर भिन्न भिन्न चार प्रकार के उत्पाद जो है वह बन सकते हैं, किंतु किसी निश्चित उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में कोई एक उत्पाद ही प्राप्त होता है। मीन्स अलग अलग डिफरेंट कैटलिस्ट अगर काम में लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट भी भिन्न प्रकार का होता है। जैसा कि हम देखते हैं, पहला प्रोपेन एल्डिहाइड CH3CH2CHO प्रोपेन एल्डिहाइड और एसिट एल्डिहाइड दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो हम पहले ले रहे हैं वो एसिटाइल्डिहाइड का लेते हैं, देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3CH2CHOH और CH2CHO थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनल जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कंपाउंड वही ले रहे हैं एसिटाइल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड, परंतु यहाँ जो एक्टिव हाइड्रोजन जो लेंगे वो प्रोपेन एल्डिहाइड का, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक एक कंपाउंड का एक्टिव हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं। पहली थी जिसमें एसिटाइल्डिहाइड का एक्टिव हाइड्रोजन था, दूसरी रिएक्शन जो है उसमें कंपाउंड वही लिए हैं एसिटाइल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड, परंतु प्रोपेन एल्डिहाइड का एक्टिव हाइड्रोजन जो है वह कंडेंस कर रहा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन कराएंगे, मीन्स एसिटाइल्डिहाइड प्रोपेन एल्डिहाइड जिसका एक्टिव हाइड्रोजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3CHOH CH CH3 और CHO थ्री हाइड्रोक्सी टू मेथिल ब्यूटेनॉल कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर कैटलिस्ट हमने दूसरा लिया है, एक दोनों कीटोनिक कंपाउंड ही लिए हैं जिसमें एसीटोन लिया है और कैटलिस्ट जो लिया है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कंडेंस होकर के डाई एसीटोन अल्कोहल जो है वह बनाते हैं। तो CH3CH CH3O डबल बॉन्ड O प्लस HCH2CO CH3 ये यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ H जो अलग से दिखाया गया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में
CH3, CH2, CO, CH3 कंपाउंड जो है वो बनता है, जो कहते हैं उसको 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहा जाता है उसको। यही रिएक्शन अगर HCl की प्रेजेंस में कराई जाती है तो दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमको। जैसे हम देखते हैं वही दो एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं, HCl की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन कराई जा रही है जिससे CH3, CH3, CH double bond, CH, CO, CH3 मैसिटिल ऑक्साइड जो है वह प्राप्त होता है। मैसिटाइल ऑक्साइड वापस एक एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ में क्रिया करके वही HCl की प्रेजेंस में फेरॉन कंपाउंड जो है वह बनता है CH3, CH3, CH, C double bond, CH, CO, CH double bond, C, CH3, CH3 2,6-dimethyl-hept-2,5-diene-4-on जिसको फेरॉन कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराई जा रही है तो पहला अटैक जो होगा वह प्रोटोन का होगा, H पॉजिटिव का। CH3CO CH3 जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो H पॉजिटिव जो है वह O नेगेटिव पे जुड़ता है और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब कैटायन यहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वह दो रूप में पाया जा सकता है, एक कीटो फॉर्म और दूसरी इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म से मतलब होता है ओ एच ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो वो इनॉल फॉर्म कहलाती है। तो कीटो कंपाउंड को हम इस इनॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टॉटामरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं कीटो और इनॉल फॉर्म। तो HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्ब कैटायन बना है वह एसीटोन के इनॉल फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इस प्रकार से, जिसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इस प्रकार से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ ओ एच का बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होता है जिससे ये शिफ्टिंग इस तरफ होती है, जिससे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये कार्ब कैटायन है तो ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो CH3COH CH3 और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH2CO CH3 कंपाउंड जो है वह बन जाता है। यहाँ पे वापस से रीशफलिंग होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फाइनली मैसिटिल ऑक्साइड जो है वह प्राप्त हो जाता है। वाटर इस प्रकार से निकलता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा जिससे ये OH निकलेगा और ये H इधर से निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो CH3CH3 डबल बॉन्ड CH CH3CO मैसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैटलिस्ट अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उस केस में एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के साइक्लिक मैसिटिलिन जो है वह बनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग कैटलिस्ट लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं, जैसे NaOH लिया, HCl लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, इस प्रकार से यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हम काम में ले रहे हैं। तो कैटलिस्ट बदल दिया तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसीटोन के तीन अणु संघनित होकर के एक चक्रीय मैसिटिलिन बनाते हैं।
इस प्रकार से एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल अरेंज होंगे और तीन मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं, कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी होता है उस केस में, वहाँ से मॉलिक्यूल जो है वह निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो उसमें तीन वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो निकलते हैं और मैसेटिलीन फाइनल कंपाउंड जो बन जाता है 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, बेंजीन रिंग के 1,3,5 पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मैसेटिलीन प्राप्त हो जाता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन कराया जाता है, यहाँ हम देख रहे थे कि सेम प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड था, यहाँ पे हम देखते हैं दो डिफरेंट कार्बोनिल हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो उस केस में भी वहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वह पाई जाती है। तो कीटो ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वह कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है, यह रिएक्शन NH की उपस्थिति में होती है। तो CH3 इन प्रेजेंस ऑफ NH रिएक्शन कराएंगे, तो ये एसीटोन का H अल्फा ये इधर जाएगा तो ये OH हो जाएगा, तो CH3CHOH और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2COCH3, 4-hydroxy-2-pentanone कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। इस उत्पाद की क्वांटिटी या यील्ड जो है वह 25% ही होती है, क्योंकि इसके साथ एल्डोल एसिटाल्डिहाइड के दो अणु आपस में कंडेंस हो जाते हैं या एसीटोन के दो अणु कंडेंस हो जाते हैं, तो डाई एसीटोन एल्कोहल जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, फिर भी यह एल्डोल कंडेंसेशन देता है, ये एक एक्सेप्शन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को जब तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड विलयन बेराइटा के साथ कंडेंस कराया जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में फॉर्मेस जो है वह प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड CH2OHCHO ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। वापस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराएगी इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो कंपाउंड जो बनेगा वह CH2OH CHOH और CHO। वापस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई तो फॉर्मेस, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वह कंटिन्यूस जुड़ चुके हैं, कि एक पॉलीमर कहते हैं आप, कंडेंस कंपाउंड पॉलीमर जिसको फॉर्मेस कहते हैं, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है पार्किन रिएक्शन, एरोमेटिक हैलाइड्स की यह एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है। इसमें हम कहें कि बेंजाल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति थी, सोडियम एसीटेट एक्ट एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो बेंजाल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति थी, जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो सिनेमिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है, या हम यूं कहें एरोमेटिक हैलाइड्स को जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है वह बनते हैं, जिसको हम सिनेमिक एसिड कहते हैं। अभिक्रिया में क्षार के रूप में उस अम्ल का सोडियम सॉल्ट काम में लेते हैं जिस अम्ल का
एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। बेंजेल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट रिएक्शन है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को पार्किन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं और इसकी क्रियाविधि को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें पहले सोडियम एसिटेट आयनाइज होकर सोडियम और एसिटेट आयन में कन्वर्ट होता है। यह एसिटेट आयन एसिटिक एनहाइड्रेट में अटैक करता है, इसमें जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे एनहाइड्रेट में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसका एनहाइड्रेट का एच एसिटेट आयन द्वारा एब्जॉर्ब होता है और एसिटिक एसिड बनेगा और कार्बन एनियन जो है वह बन जाता है, तो CH3COOCOCH3, तो यहाँ पे ये CH2 और H के फॉर्म में आएगा ये यहाँ पे, और ये एसिटेट इससे रिएक्ट कर रहा है तो CH3COOH, और ये क्योंकि CH2 नेगेटिव रह गया है तो CH2 नेगेटिव ओ सी ओ सी ओ सी एच से कार्बन नियन कार्ब एन आयन जिसको कहते हैं हम वह बनता है। ये कार्ब एन आयन एल्डिहाइड के साथ जो बेंजाल्डिहाइड लिया है हमने उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव पार्ट है, और जब कार्बोनिल एल्डिहाइड में जब आयनाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, तो C6H5CO-H CH2O CO CH3, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की रिएक्शन होगी तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाता है इस प्रकार से, तो C6H5CHOH CH2COOCOCH3। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वह निकलता है और फाइनली यहाँ पे सिनेमिक एसिड जो है वह बन जाता है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH और एसिटिक एसिड कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसकी बाकी की और रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।